बंटी नाम का एक कबूतर अपनी बीवी टुनटुनी और उसकी एक साल की बेटी चंचल के साथ एक जंगल में रहता था। वहाँ के पंछी अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वो पक्षी हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियाँ और फल उगाते थे। बंटी उस जंगल में खुद के और पक्षियों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसके शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी पहचान थी, इसलिए जंगल के सब पक्षी अपना अनाज बंटी कबूतर से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है, इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही जंगल में रहने वाला कालू कौवा सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। जंगल के सब पक्षी हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। बारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। जंगल के सभी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी, उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी पक्षी खेत में पहुंचे, तब वहां का नजारा देख वो पक्षी दंग रह गए। बारिश के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी, इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लगता है हमें किसी की नज़र लग गई। अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे। सभी पक्षी बची कुची फसल वहाँ से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो, पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अब क्या बेघर भी करना चाहते हो। सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल घर चलते हैं। एक दो दिन में बारिश चली जाएगी, कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। बंटी अपने घर की ओर जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ तक डूब चुका है। उन्हें डर था अगर बारिश ऐसी होती रही तो घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो टंटनी, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। घर के सभी लोग ऊपर वाली डाल पर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर बंटी देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी ढह चुका था, उन्हें डर था कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अपना घर कभी भी ढह सकता है, हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी पक्षियों की हालत उनकी तरह थी, तो उनकी मदद कोई कैसे करता। कुछ दूर उड़ने के बाद बंटी को एक घना पीपल का पेड़ दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। टुनटुनी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी पेड़ के नीचे रहेंगे, अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है। लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या, आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात बंटी और टुनटुनी कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। बंटी खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है, थोड़ी देर में वो कुछ खाना अपने साथ लाता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी, इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी तो कैसे हो सकता है, अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तो क्यों देता है। ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया। ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा, वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकालिए। फिलहाल मैं चंचल के सर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे आपको चोट कैसे लगी, आपके सिर से तो खून बह रहा है। अरे क्या बताऊँ, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो
हो जा बच्ची, क्या हुआ, तू क्यों रो रही है इतना? अरे इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी से सर पे पट्टी भी लगा कर देख ली पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। बंटी जैसे ही जाने लगा वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नज़र उस पर उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जाने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ और बंटी के सर में चोट लगी थी उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद जंगल के राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। बंटी अपने परिवार के साथ जंगल लौट जाता है, वहां जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेतीबाड़ी करने लगता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छे से बीत रही थी। चंदनवन जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू सब्जियों के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। तो माँ जी इससे हम लोगों को क्या मतलब, हम लोग तो बस अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप सब्जी वालों को अपनी बातों में फंसा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर रख लूंगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और चलते हैं। दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं। माँ जी चलिए इस कालू सब्जी वाले के पास चलते हैं, वो सब्जी वाला कुछ उल्लू टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ बहू चल। सब्जी वाले की दुकान पर पहुँच कर, भैया ये लौकी कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो माँ जी। नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी है, बताओ भैया टमाटर कितने किलो दिए हैं? टमाटर तो 80 रुपए किलो है। ये तो और भी ज्यादा महंगी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं? अच्छा भैया बैंगन की कीमत बता दो। बैंगन 40 रुपए किलो है माँ जी। इस तरह टूनी अपनी बातों में सब्जी वाले को फंसाए हुई रहती है और वहाँ टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर अपने थैले में रख रही थी। बहन जी आपको सब्जियाँ लेनी है या नहीं, बेकार में क्यों चिक चिक कर रही है? भैया सब्जियों के कुछ सही रेट लगाओ तो मैं सब्जियाँ ले लूँ। बहन जी सब्जियों के रेट मैंने सही लगाए हैं, आपको लेने हैं तो लीजिए नहीं तो कहीं और जाइए, हर जगह सब्जियों के यही भाव है। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं, इन्हें तो अपनी सब्जियों को बेचने का मन ही नहीं है। टूनी टुनटुनी का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में टूनी टुनटुनी से कहती है, बहू बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाली दुकान पर चलते हैं, अगर मौका मिलेगा तो एक दो सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं माँ जी मुझे तो सुनार वाले की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू इसमें डरने वाली क्या बात है, चल इस बार दुकानदार को तू बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूंगी। ठीक है माँ जी जब आप कह रही हैं तो चलते हैं। दोनों सुनार वाले की दुकान पर जाती हैं। आइए आइए बहन जी कहिए आपको कैसी चूड़ियां और हार दिखाऊं? भाई साहब आपकी दुकान में जो सबसे महंगी सोने का हार है वही दिखाइए। अभी दिखाता हूँ बहन जी। थोड़ी देर बाद ये लीजिए बहन जी, यह मेरे दुकान के सबसे महंगे हीरे का हार है, कहिए कौन सा दे दूं? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए अच्छे से पहले देख तो लूं। हाँ हाँ देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती है, अचानक टुनटुनी की सास टूनी दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब आपकी दुकान पर पानी मिलेगा क्या, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बहन जी मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने के लिए जाता है टुनटुनी और टूनी एक एक हार चुरा लेती है। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए बहन जी पानी। लाओ लाओ भैया काफी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। टूनी पानी पीकर, भाई साहब आपकी दुकान में बड़े सुंदर हार है लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इन हार को खरीद सकूं, मैं कल आकर इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी जैसी आपकी मर्जी। फिर टूनी अपनी बहू टुनटुनी के साथ घर आ जाती है। माँ जी आज हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है, जब दुकानदार को पता चलेगा उसके हार गायब है तो वो तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू तू ठीक कह रही है लेकिन अगली बार हम लोग दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर दोनों सास बहू हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो सुनार दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है और एक दिन आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके रहूंगा और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुनटुनी इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से हरी तोते के यहाँ आती है। हरी भैया कैसे दिए हैं ये आलू? माँ जी 20 रुपए किलो। हाय राम इतने महंगे? इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। तभी मौका देखकर टुनटुनी सब्जियों पर हाथ साफ कर ही रही होती है तभी कौवा इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज हत्या लगी हो तुम सास बहू, बहुत दिनों से तलाश थी, अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना।